हेलो एवरीवन, वंस अगेन आई एम हियर टू क्लियर योर डाउट्स। जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है टैटू के टाइम में, जो सबसे ज़्यादा डरते हैं, ये उनका क्वेश्चन है कि क्या हम टैटू करने के टाइम पे अल्कोहल लेके बैठे या कोई ड्रिंक कर ले, बियर पी लूँ मैं छोटा सा। तो ये उनका डर है एक्चुअली कि शायद मैं टैटू करूँ तो मुझे बहुत पेन होगा और मैं थोड़ा सा बियर या कुछ पी लूँगा तो शायद वो मेरा ब्रेन जो पेन है वो मेरे ब्रेन को पता भी नहीं चलेगा और शायद मैं पूरा टैटू कंप्लीट करूँगा। तो देखिए, हमारा एक ही आंसर है कि आप पियो बिंदास, दबा के पियो, बट टैटू मत करो। द रीज़न इज, आपको इस चीज़ को समझना होगा कि हमें क्यों अल्कोहल कंज्यूम नहीं करना चाहिए। नॉट इवन वन डे बिफोर वाइल टैटूइंग, एक दिन पहले भी आपको नहीं करना चाहिए और ना ही टैटू बनने के दो या तीन दिन बाद। इसका कारण ये है कि वॉट इज़ अल्कोहल, आप अगर गूगल में जाके थोड़ा सा सर्च करोगे इसके बारे में, अल्कोहल अपने बॉडी में कितना देर रहता है, आपके ब्लड में कितना देर रहता है, आपके सांस में कितना देर रहता है, लीवर में, इवन आपके यूरिन में कितना देर रहता है, तो ये सारी चीज़ जो है आपको समझनी पड़ेगी। तो एक दिन पहला आपने अच्छा खासा अल्कोहल कंज्यूम किया, सेकेंड डे पे आप फ्रेश हो, आप आए हो स्टूडियो पे, आपने टैटू, अभी आप हमें तो पता नहीं, हम तो एक टैटू आर्टिस्ट है, हम अंतर्यामी तो है नहीं कि पता लगा ले आपने पिया है या हम इधर कोई ब्लड चेकअप कैंप खोल के बैठे, तो हम टैटू बनाते हैं तो वो टैटू इतना उठ के नहीं आता। उसका रीज़न ये है, मैं समझा देता हूँ आपको। अल्कोहल इज अ ब्लड थिनर, वो ब्लड को है ना पतला कर देगा। पतला होने के वजह से वो ब्लड आपका कहीं स्किन में कहीं भी एक खरोज भी आए ना, छोटा सा खरोज भी आए ना, उस जगह से वो निकलने की कोशिश करेगा। टैटूइंग में सेम है, जब हम टैटू करते हैं स्किन के ऊपर, मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा जो कलर है आपके स्किन में बैठे, बट इधर क्या हो रहा है ना, आपका जो ब्लड है उसको बैठने नहीं देगा, उसको बाहर निकालेगा, बूज होएगा वहाँ से, वो निकलेगा, मेरा कलर को पुश करेगा, कलर बाहर निकलेगा, दूसरे दिन डल दिखेगा टैटू। 10 ml ब्लैक कलर ले लीजिए, कोई भी वाटर कलर ले लीजिए और उसके अंदर एक ग्लास पानी डाल, तो क्या होगा, ब्लैक दिखेगा, नहीं दिखेगा। वैसे ही है, जब आपके स्किन में ब्लैक कलर मैंने डाला है और उसको उसमें ब्लड मिक्सअप हो गया है तो वो शेड चेंज हो गया वहाँ पे। तो कई बार ऐसा होता है कि हम टैटू बनाते हैं बाद में शेड्स प्रॉपर नहीं आते, क्यों, आपने कहीं ना कहीं अल्कोहल कंज्यूम किया रहता है, हमें बताते नहीं है। आप आते हैं, सेकेंड टचअप तो हम आपको दे भी देंगे, बट वो पहले जैसा जो फील होता है वो टैटू में फील नहीं आता है। आपको उस टैटू का फील नहीं ख़राब करना है। वो सेकेंड टाइम में आप क्या बोलेंगे कि शायद टैटू आर्टिस्ट ने मेरा टैटू ख़राब कर दिया है, मैं उससे फ्री टचअप लूँगा। चलो, टैटू आर्टिस्ट आपको फ्री टचअप भी देगा, बट पहले वाली जो फिनिशिंग है, जैसे कि एक बार एक रस्सी जो सीधी होती है सीधी, उसको तोड़ दोगे, फिर उसको गांठ लगा के सीधा भी कर दूँ मैं, तो गांठ तो रहेगी, तो वो जो बोलते हैं ना वाओ फैक्टर थोड़ा सा कम हो जाता है। आप जो टैटू बनाने जाओ तो आप प्लीज़ वाइन, बियर, विस्की, ये सारी चीज़ें एक दो चार दिन के लिए तो आपको स्किप करना है और आपको अपने टैटू को सेफ रखना है और क्लीन रखना है, अच्छा रखना है। देर आर मैनी थिंग्स अबाउट टैटूज, बिकॉज आपने कहीं देखा होगा मूवीज़ में कि कोई पब्स होता है, पब्स में लोग बहुत सारे लोग होते हैं, वहाँ पे डांस होता है, देन दे हैव एक वाइन का ग्लास हाथ में होगा, वो लेके जाएंगे, एंड देर इज़ अ टैटू आर्टिस्ट, वो टैटू बना रहे बैठेंगे, वाइन का ग्लास और ड्रग्स लेते रहेंगे। सो इट्स ऑल अनहेल्दी, ये कोई प्रोफेशनल नहीं है, ये किसी ने मूवी में दिखा दिया, इट्स नॉट अ राइट वे, दैट्स अ बिजनेस, आप समझिए, इट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, अल्कोहल इज ऑल्सो नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, और उस टाइम पे टैटू तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं है। तो कैसे, क्या आपने उसको देख लिया और समझ लिया है आपने अपने लाइफ में कि सी नाउ इट इज़ टैटू इज टोटली प्रोफेशनल थिंग। अभी आप कोई स्टूडियो में जाओगे, इट्स टोटली प्रोफेशनल, आपको प्रोफेशनलिज्म, आपको सही तरीके से ही बताया जाएगा कि टैटू कैसे और क्या बनाना है। बिकॉज देखिए, आपका वो एक दो दिन का एन्जॉयमेंट तो वो चला गया, बट टैटू विल बी लाइक पूरे लाइफ टाइम के लिए रहेगा और वो लाइफ टाइम तक आप ऐसे गंदा सा टैटू लेके नहीं जा सकते। आप उसको कैरी करके कितना दिन रहोगे, फिर आपको शर्म आने लगेगी ये क्या बना लिया। तो एक तो होश भी नहीं रहता है टैटू बनाने के टाइम की, आपको आपने जब बहुत पी ली होती है तो आर्टिस्ट जब आपको समझाता है कि सर मैम आप ये वाला टैटू मत बनाइए, आपको सूट नहीं होगा, इसमें ये वाली डिज़ाइन आप मत डालिए, बट
आप शायद नहीं, मुझे तो यही बनाना है। दूसरी चीज, कभी ऐसा होता है कि आपको स्टूडियो में जाते हैं तो आर्टिस्ट क्या कर लेता है, कोई कोई फीस और नॉर्मल आर्टिस्ट तो क्या कर लेगा, हाँ ये बना लो अच्छा दिखेगा, आप बोले चल बना, आप जोश में होते हो बना, फिर बाद में पता चलता है मुझे नहीं बनाना चाहिए था जब आप होश में आओगे। सो इट्स नॉट अ गुड आइडिया। ये दारू पी के काम करना ना बहुत मुझे तो समझ में ही नहीं आता है। हम लोग तो, आप अगर मेरे डोर पे देखोगे तो लिखा है हम अल्कोहली जो होते हैं उनको अंदर लेते ही नहीं है। इट्स टोटली अ प्रोफेशनल थिंग, आपको प्रोफेशनलिज्म समझना पड़ेगा। एवरीथिंग इज नाउ प्रोफेशनल, पहले जैसा कुछ नहीं रहा है, पूरा चेंज हो चुका है। इसका पूरा सीनैरियो जो टैटू इंडस्ट्री का है, जो टैटू का सीनैरियो टोटली चेंज हो गया है। यू कैन हैव अ टैटू, अ गुड टैटू, नॉट अ बैड टैटू, कोई भी एक अच्छा सा टैटू बनाओ, छोटा बनाओ, प्यारा बनाओ। बड़े टैटू की ज़रूरत नहीं है कि बहुत बड़ा बड़ा आपको लेके घूमना है, छोटा भी बना सकते हो। इफ़ यू वॉन्ट टू कैरी अ बिग टैटू देन ऑफकोर्स यू कैन गो फॉर इट, कोई बिग डील नहीं है। बट कुछ करने से पहले आप एक आर्टिस्ट नहीं, दो आर्टिस्ट नहीं, तीन चार आर्टिस्ट से कंफर्म कर लो कि मैं क्या करने जा रहा हूँ और मैं जो करने जा रहा हूँ वो सही है या नहीं है। जब आप सेटिस्फाई हो जाओ कि हाँ ये सारे क्वेश्चंस मेरे क्लियर हो गए हैं, देन आप एक पर्टिकुलर आर्टिस्ट पकड़ के उससे अपना काम करा सकते हो। होप्स आपको मेरा ये वीडियो समझ में आया। थैंक यू।